विद्यार्थी मित्रों धोरणदास विषय हिंदी अने पाठ 21 पहेलियां मुद्रियां में आपका स्वागत है। इस पाठ के कवि हैं अमीर खुसरो, उनका जन्म 1553 और निधन 1325 में हुआ था। आदिकाल के राजेश्वर परंपरा से सर्वथा मुक्त अमीर खुसरो की कविता लोक जीवन का रंगों से रंगी हुई है। उनकी अपनी खुद की रचनाओं में ज्ञान के साथ साथ मनोविनोद की सुंदर सामग्री भी मिलती है। आनंद के साथ उन्होंने ज्ञान भी दिया है। संकलित पहेलियां मूर्तियों में मानव मन की जिज्ञासा, कुतूहल और रहस्यों का विनोदपूर्ण शैली में उद्घाटन किया गया है। छोटे छोटे रचनाओं में गहरे अर्थ को बताकर कवि ने अपने कला कौशल का परिचय दिया है। उनकी पहेलियों में किसी वस्तु का टेढ़ा मेढ़ा लक्षण देकर अभिप्रेत वस्तुओं का नाम पूछा जाता है, उसका विशेषता ये देते हैं और कहते हैं कि आप इस वस्तु का नाम बताइए। बुकरियों के आरंभ में कई कई बात का वर्णन करते हुए सही बात की ओर संकेत किया जाता है। पहले सही बात कह देते हैं और बाद में कहते हैं आप इस सही बात को बताइए। इन पहेलियां मुखरियों में विनोद के साथ साथ ज्ञान भी परोसा गया है और इसके द्वारा ज्ञान की कसौटी उसमें हो जाती है। तो पहेली को कहते हैं उसमें केवल सामान्य रूप से उसे केवल हल करने के लिए कहा जाता है, परंतु मुखरियों में एक सखी दूसरी सखी से सही बात को कहकर उसका हल निकालने के लिए कहती है। यह फर्क इनमें देखा जाता है। पहेलियां में देखो तो अमीर खुसरो पहली पहेली में कहते हैं कि जूता पहना नहीं समोसा खाया नहीं। क्यों? हम जूते को क्यों नहीं पहनते? क्योंकि उसमें तलाब नहीं था। जूते को इसलिए नहीं पहना क्योंकि उसके नीचे का भाग पैर में हम जूते पहनते हैं तो उसके नीचे का भाग उसमें नहीं था, जिसके कारण उसे पहना नहीं गया। और समोसा को क्यों नहीं खाया? क्योंकि समोसा जो मैदे की वस्तु और आलू से बनाया जाता है उसे तला हुआ नहीं था। इन्हें तड़वा मानो तो आयो देना कारण इन्हें आपने खाई सकिए नहीं, तो इन्हें उत्तर से तला नहीं था। अनाज क्यों नहीं चखा? वजीर क्यों नहीं रखा? अनाज यानी कि दाना क्यों नहीं चखा? दाना क्यों कोई क्यों हो चे नागरा दाना यहाँ हो चे जिन्हें कारण इन्हें केवामा आवे थे के इन्हें खाई सकी थी, परंतु इन्हें जारे में दाना हुए तो खाई सकाए नहीं। अने वजीर क्यों नहीं रखा? वजीर एटले मंत्री। मंत्री भी क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि उसमें दाना नहीं था। रोटी जली क्यों? घोड़ा आड़ा क्यों? मान सड़ा क्यों? रोटी सुखा पड़ी गई, घोड़ा सुखा में एक बार उभो रही गई, आड़ा क्यों उभो रही गई? चाहे लोग नहीं पान सड़ी के हो सुखा आपने रोटी गावी ऊपर टका ली थी, परंतु ये जो केरवा में ना आवे तो एक एक खिल जाए बढ़ जाए। घोड़ा केरवा में ना आवे तो एक बार उभो रही जाए से इतना नाटे इन्हें पर केरवा की जरूरत हो जाए। पान अड़ा क्यों? पान सड़ा क्यों? कारण में इन्हें पर केरवा में आवे थे पानी में इन्हें एक बीसाई बनी बीसाई केरवा में आवे थे इतने तो उत्तर आपसे फेरा नहीं था। इन्हें उल्टा में लोग राखों आए वो नहीं। एक नारी के लिए दो बालक दोनों एक ही रंग, एक फिर टाटा रहे फिर भी दोनों सब। इस पहेली में अमीर खुसरो कहते हैं कि एक नारी थी एना बे वाड़ा थे बेल बेल के जन्म थे, परंतु एक टाटा रहे इसे को रहे से कहीं पर तो नहीं अने बीजो जे फरतो रहे थे जता पर बने साथे रहे थे तो के एनो उत्तर स्वभाव से देखे तो जब मांगू तब घर भरी लावे मेरे मन की तपन बुझावे मन का भारी तन का छोटा बेचकी साजन ना सकी।
સાથે બે પરંતુ એનો બીજો જાત નીકળે છે એવું કહેવામાં આવે છે કે જમે માપુત ધર્મ્યાતા હે મે મન કે ક્યાં સુજાતા હે વે મન કા ભારી હે ઉસકા મન ખૂબ જ મોટું છે પરંતુ એનો તન નાનો છે તો સખી કહે છે કે તું ભૂજ કે આપણ છે તો સખી એને ઉત્તર આપે છે કે તારો સાધન છે તો કે ના આ કોણ છે તો કે મોટા એટલે કે પરસ્યો એનો ઉત્તર છે વો આવે તો શાદી હોય ઉસકી ઉસકીના દૂજા ઓર ના કોઈ નીચે જાકે વાકે હો એ સખી સાજન ના સખી હો એના વિના લગ્ન થઈ શકે નહીં એના બીજા બીજું કોઈ એના જેવું પડતું નથી જ્યારે એ વાગે છે ત્યારે એના શબ્દ મીઠા લાગે છે તો કે સાધન છે તો કે ના બીજી સખી કહે છે આ જવાબ ખોટો છે એનો ઉત્તર ભૂલ છે પતિ સુરંગ હે રંગ રંગી લે હે ગુરવંત બહુ ચટકીલા રામ ભજન કભી ના સોતા હે સખી સાજન આ સખી હોતા તો કે કેવળ એના રંગ ખૂબ જ ચટકીલા છે ખૂબ જ સરળવાળો છે અને ગુણી પણ છે બુદ્ધિશાળી પણ છે ગુણવંત એટલે બુદ્ધિશાળી પણ છે અને ખૂબ જ બુદ્ધિશાળી છે ખૂબ જ એના રંગ ચટકીલા છે ખૂબ જ સ્મૃતિ વાળો છે રામ ભજન જ્યારે ગઢી કે ત્યારે જીસુએ છે તો એની સખી કહે છે કે એ સખી તો કે આનો ઉત્તર સાધન છે તો કે ના સખી એનો ઉત્તર છે તોતા કારણ કે તોતા પણ રામ નામ ભજે છે એના રંગ પણ ચટકીલા છે અને ગુણવાન પણ કહેવામાં આવે છે આવી રીતે આમાં બે અર્થની જગ્યાએ બીજો અર્થ નીકળે છે આ ખૂબ જ સરસ મજાની પડેલી અને ભૂમિકા છે કે જે આપણને અમીર પુરુષોએ કહેલી છે અને ખૂબ જ પ્રસિદ્ધ છે આ તમે તમારા મનમાં પાઠ લખી લેજો અને સામે લખેલા શબ્દાર્થ પણ તમારી મનમાં